बोलो पहले। बड़े लोग पहले ऐसे करते होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो होने वाली है हमारी सीएनजी बाइक के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम इंडिया में पॉपुलर होती जा रही है। जिसको देखो वही बस बोल रहा है भाई सीएनजी की बाइक, सीएनजी की बाइक, या क्या है ऐसा सीएनजी की बाइक में, अरे तुम्हारी पेट्रोल की बाइक सबसे बेस्ट है। अभी ऐसे ऐसे रीज़न दूंगा ना आपको कि आपको की पेट्रोल की बाइक है ना उससे प्यार हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा इस बाइक से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। अगर मैं इस बाइक को परचेज करता ना तो मैं क्या क्या चीज़ें इसमें देखता और क्या क्या चीज़ें मेरे साथ फ्यूचर में होने वाली हैं या फिर पास्ट में मेरे साथ हो गई हैं बाइक से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें देख रहा हूँ और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ मतलब कि जो ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनली वो है कि अगर मैं कोई एक बाइक लूँगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखूँगा और कैसे देखूँगा, खासकर सीएनजी की बाइक में। तो इसमें जो अपना रीज़न नंबर 4 है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इसकी कमी नंबर 4 है वो आप ज़रा ध्यान देना, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताता हूँ। वो मेरे साथ पर्सनली भी हुआ और आपके साथ ना हो जाए, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये बात पता लगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला रीज़न है ना जो इसका, वो है कि इसकी जो सीएनजी का जो टैंक है ना, उसको लोग बॉम्ब जैसा बोल रहे हैं। बॉम्ब क्या बॉम्ब, वैसे दिक्कत तो नहीं होगी कुछ, लेकिन लोग इसको थोड़ा बॉम्ब जैसा ही बोल रहे हैं। अब सीएनजी की बाइक है तो थोड़ा बहुत इसमें विस्फोट वगैरह होने के चांस हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा। करीब करीब मतलब कि इसको कंपनी ने 100% वैसे श्योर किया है कि इसमें ऐसा कभी हो ना, लेकिन कोई पता नहीं है। जब आपका दिन ख़राब हो ना तो कहते हैं ऊँट पर चढ़े आदमी कोई कुत्ता काट लेता, तो कुछ भी हो सकता है। तो एक बार को लेने से पहले आप इसको सोच लें, क्योंकि इसका प्राइस ऑलमोस्ट पेट्रोल वाली बाइक के प्राइस के ही बराबर है। और अगली चीज़ की बात करें तो वो चीज़ है कि अभी जो ये अपनी बाइक है ना, ये सीएनजी वाली बाइक, ये ऐसे जगहों के लिए नहीं बनी जहाँ पे सीएनजी के पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप लोग कहीं लद्दाख जाने की सोच रहे हो या कहीं ले या कहीं भी किसी भी पहाड़ी इलाके में सोच रहे हो ना कि इसको ले लूँगा, 100 की एवरेज देगी, मैं तो बचा लूँगा ट्रैवलिंग में, ये वो करके, मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा यही चल रहा था, तो ऐसा मैंने भी सोचा था, लेकिन ये सब आप नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये चलती सिर्फ 300 किलोमीटर है और 300 किलोमीटर के अंदर आपको सीएनजी का पेट्रोल पंप या फिर फ्यूल जो भी है वो नहीं मिला, तो आप 2 लीटर पेट्रोल पंप पे कितना चला लोगे। तब तक आप ढूंढ लोगे, मुझे पता है, लेकिन बार बार आप इसमें डलवा के 300 किलोमीटर बाद थोड़ी बहुत लाइन लगा के हो जाओगे परेशान, एक बार के लिए परेशान हो जाओगे। जो मुझे पर्सनली लग रहा है ना, अगर मैं इसको ले लूँ तो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई नहीं शेयर करेगा, क्योंकि सब ने ले रखा है ये वाली चीज़, पता है ना, कंपनी ने सबको बढ़िया से प्राइवेट प्लेन्स में बुला के, तो वो सब कोई नहीं बताएगा, नेगेटिव चीज़ें कोई नहीं बताएगा, सब यही बोलेंगे कि हाँ बस खरीद लो, मज़ा आ जाएगा, पैसे बचाओ, ये वो, कोई नहीं बताएगा नेगेटिव चीज़ें। तो नेगेटिव चीज़ें के लिए हम हैं गरीब यूट्यूबर्स जो हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो चलिए फिर अगले पॉइंट की बात करें, ये हुई पर्सनल बातें। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ना सीएनजी का मैंने कॉन्सेप्ट सुना था, तो थोड़ा सा मुझे लगा था ना कि ये बाइक लूँगा और लेने के बाद मैं ना मारूँगा लॉन्ग लॉन्ग राइड, ठीक है, मेरा शौक है लॉन्ग लॉन्ग राइड मारना, आज तक वैसे की नहीं कभी, तो पर करेंगे, लॉन्ग राइड मारेंगे। लेकिन मैंने जब इसमें देखा ना कि 2 किलो का सीएनजी टैंक, मैं कहा यार 2 किलो में क्या होने वाला है। अब जो गाड़ियाँ होती हैं ना, गाड़ियों में अच्छे खासे बड़े बड़े सिलेंडर देखे हैं मैंने, लेकिन फिर मैंने टैक्सी वाले से भी पूछा तो उसने भी कहा यार इसके अंदर 6 किलो का टैंक लगा हुआ है। और वो भी ऐसे पता लगा क्योंकि मैं था उसके साथ लंबी ड्राइव पे, और उसने हर थोड़ी देर पे वो भरा रहा है सीएनजी, भरा रहा है, हर 200-300 किलोमीटर में भरवा रहा है। तो मैं कहा यार ये क्या चक्कर है, एक बार में फुल करा लेना इसको, बार बार तो क्यों रोक लेता है थोड़ी देर में। कहता भाई यार इसके अंदर इतना ही आता है और इतने में इतना ही चलती है, मतलब 25-30 का एवरेज मान लो सीएनजी पे, तो वो करीब करीब उतना चल रही थी। तो मैं कहा यार 6 किलो में जब इसका ये हाल है, तो इसके अंदर 2 किलो का सिलेंडर दिया है, उसमें क्या होगा। उसमें तो मैं हर मतलब अगर लंबी राइड पे निकल गया तो मतलब दिन में 10 बार तो मैं इसमें फ्यूलिंग ही कराता रहूँगा। अगर फ्यूल पंप मिला भी नहीं मिला तो फिर 2 लीटर के पेट्रोल में मैं कैसे बार बार यूज़ कर करके चलाऊँगा। तो ये सोचने वाली बात थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बाइक लॉन्ग राइड के लिए नहीं बनी हुई, और जो अपनी जहाँ पे सीएनजी की अवेलेबिलिटी नहीं है जरा भी, वहाँ के लिए नहीं बनी हुई है। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पे, चौथा पॉइंट ही है, उससे पहले मैं पॉइंट्स नहीं बताए, चौथे पॉइंट पे बता देता हूँ आपको कि जो मेरे साथ हुआ था ना, आज से 5 साल पहले जब मैंने एक अपना पहला ज़िंदगी का पहला स्कूटर लिया था,
वो मेरे साथ हुआ था। मैंने ये पहले भी किसी वीडियो में बता रखा है, तो ये मेरे साथ पहले बार नहीं हुआ, पहले भी एक बार हो चुका है। तो मैंने ना एक हमारे कंपनी हीरो ने वो स्कूटर लॉन्च किया नया नया, ठीक है, और मुझे उसका डिज़ाइन इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया, मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपने फादर को बोल बाल के करा दिया उसमें लोन, और लोन करा के उसको ले आया। ले आने के बाद ना ढंग से भाई साहब उसको 2 साल चलाया, 2 साल भी नहीं चला, उसके बाद उसको मुझे बेचना पड़ गया, ठीक। अब वो इतना सस्ता क्यों बिका है, क्या कारण था कि मैं उसमें लॉस खा गया, जो आपके साथ इतने डिटेल में शेयर कर रहा हूँ और इतने शुरू से बोल रहा हूँ कि पॉइंट नंबर 4 को ध्यान देना। मैं सीधा बता दूँ कि मैंने जो उसमें ना ध्यान ये वाली चीज़ नहीं दी थी कि भाई क्या कहते हैं, आप लोगों ने जो भी है उसको ले लिया, ठीक है, स्कूटर ले लिया मैंने। लेने के बाद पता है क्या पता लगा कि ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, जस्ट लॉन्च हुआ है, और लॉन्च होते ही ना मैंने उसको ले लिया था, मतलब अंदर 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर। तो उसमें जो भी फॉल्ट था ना, वो फॉल्ट मुझे किसी ने नहीं बताया, ना सेल्समैन ने किसी ने कि इसके अंदर कोई फॉल्ट है। और स्टार्टिंग में जो चीज़ें आती हैं ना, उसमें कभी फॉल्ट नहीं पता लगेगा आपको, जब आप उसको ले लोगे और लेने के बाद आप जब उसको यूज़ करोगे, यूज़ करने के बाद जो उसमें फॉल्ट आएगा, फिर वो आपके साथ रिव्यू शेयर होंगे। अभी जैसे सैमसंग के फ़ोन आते थे ना फोल्ड वगैरह, उससे भी ये सब चीज़ें हो रही थी कि उसमें भी शुरू में जिन लोगों ने लिया ना, उनको बड़ी दिक्कतें हुई कि उनकी डिस्प्ले ख़राब हो गई, ये वो। तो ऐसे ही होता है बाइक्स के उसमें भी, जो स्टार्टिंग का वो होता है ना, वो एक्सपेरिमेंटल फेज़ होता है, उसमें आपको ना कंपनी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसको भेजा होता है, लेकिन फिर भी जो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो होता है आप लोगों के साथ। तो कोशिश करना कि स्टार्टिंग में बाइक ना लेना, कम से कम वेट करो कि 6 महीने साल तक जो रिजल्ट हैं उसके ना वो आ जाएँ, कि CNG सिलेंडर कहीं ब्लास्ट हुआ या फिर कुछ हुआ या क्या प्रॉब्लम है, क्या रिव्यू हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे चैनल के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आपको पता लगेंगी। फिर आप लोग देखोगे वीडियोज़ को और आप लोगों को पता लगेगा, रियल लाइफ में भी आप लोग मिलोगे उससे, उनका रिव्यू पूछोगे, उसके बाद आप ले सकते हो उसको कि अच्छी है। अगर नहीं अच्छी है तो वो उसकी शकल ही बता देगी कि हाँ भाई ये अच्छी नहीं है, मैंने लेके पछता रहा हूँ। बाकी झूठी तारीफें जो जितनी मर्जी कर ले। चलिए फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है कि इस बाइक के जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अब जो छोटी हाइट के लोग हैं ना, हम जैसे लंबे चौड़े लोग हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने, लेकिन जो छोटी हाइट के लोग हैं ना उनके लिए प्रॉब्लम ये होने वाली है। प्रॉब्लम होगी ऐसे कि आप लोग सोच लो कि जो आपकी बाइक है ना, बाइक की 825 mm सीट हाइट है, और उसमें आपका ना छोटी हाइट का अगर राइडर कोई आ गया तो उसमें फिर एक ही पैर लगेगा आपका, चाहे वो लेफ्ट लगा लो चाहे राइट लगा लो, प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है, उसको चलाने के लिए। और उसकी सीट में ना एक होता है, सीट के अंदर ऐसे गैपिंग बनी होती है, वो गैपिंग भी नहीं है, एकदम नॉर्मल फ्लैट सीट बनाई है। अब फ्लैट सीट होने का कारण आप समझ रहे हो, उसके नीचे CNG का टैंक फिट है। तो जो शॉर्ट राइडर्स हैं ना, जो छोटी हाइट के राइडर्स हैं, वो तो भूल ही जाएँ कि इसको लेंगे, और लेंगे तो परेशान होंगे। मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट राइडर्स के लिए नहीं है, बाकी आप लोग टेस्ट राइड ले करके एक बार देख लेना। और बाकी जिनके लोगों के भूत चढ़ा है ना एक्सपेरिमेंट का बंदर बनने के लिए, एक्सपेरिमेंट का बंदर मैं सीधा सीधा यही बोल रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में जो कोई दवाई बनती है ना, पहले वो बंदर के ऊपर होती है, किसी जानवर के ऊपर, उसको थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि ये इंसानों के ऊपर कैसा असर करेगी। तो एक्सपेरिमेंट के अगर बंदर बनने हैं तो फिर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए दिल खोल के लीजिए बाइक, मेरी तरफ से मुबारकें। बाकी मैं फ़िलहाल के लिए अभी ये बाइक नहीं लेने वाला हूँ, और मैंने आपके साथ ये सारी कमियाँ मैंने डिस्कस कर दी हैं कि इसके अंदर एक तो आपको CNG की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी मिलने वाली है, कि आपको जल्दी फ्यूल स्टेशन वगैरह नहीं मिलेंगे, अगर आपके अधिक करीब हैं तो आप ले सकते हो। और अगर साथ ही साथ बताएं तो लॉन्ग राइड के लिए करीब करीब ये नहीं है, और साथ साथ अगर डिस्कस करें इसकी सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है, और ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है, ठीक है। और एक आपको बोनस टिप भी बता दूं, कि बोनस टिप ये है कि बजाज की जब कोई भी बाइक लॉन्च होती है ना, लॉन्च होने के साथ ही उस बाइक को मतलब कि काफ़ी दिन तक मतलब बजाज नहीं चलाता कि हाँ उसको रो पिट के चलाएगा। अगर बजाज में ऐसा है ना कि अगर कोई बाइक परफॉर्म मतलब कि उनको फ़ायदा नहीं दे रही ना, तो उस बाइक को तुरंत के तुरंत डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि अपनी पल्सर 150 P150 जो आती थी ना, वो नई वाली, वो उसको कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है बड़ी जल्दी, ठीक है। अब जिन लोगों ने ले ली ना, अब वो लोग पछता रहे होंगे उसको लेकर, ठीक है। तो इसके साथ भी कहीं ये ना हो जाए, इसलिए 1-2 साल वेट करो यार, आराम से कोई अच्छी बाइक लो तब तक, नहीं तो जो है उसे चलाओ, बढ़िया मज़े करो, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में मत आओ और आराम से इंतज़ार करो, ठीक है, फिलहाल के लिए। बाकी इस बाइक में वैसे कोई दिक्कत मुझे नहीं समझ में आ रही, बाकी तो बाइक ही अच्छी है। बाकी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इन्हीं सब की दिक्कत है। बाकी चीज़ें अगर आपके सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप इसको ले सकते हो। और जो मैंने 4 नंबर वाला बताया है उसको आप ज़रा ध्यान देना,
चलते हैं, मिलेंगे फिर हाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप लोग इन जो वीडियोस है ना, जो आप लोगों के इस बाइक से रिलेटेड रिव्यू हैं, वो आपको मिल सकें। अभी ऑनरशिप रिव्यू भी आपके लिए आएंगे इस चैनल को। चलिए फिर बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।